हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, देखिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है उसको देख लेते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन प्राइमरी एमीन्स के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें होगा क्या, इसमें जो थैलेमाइड है, थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉलिक QH to produce potassium salt of thalamide, which on heating with alkyl halide, which on heating with alkyl halide to give an alkyl thalamide। ठीक है, एन एल्काइल थैलेमाइड। अब ये जो एन एल्काइल थैलेमाइड यहां बन रहा है, ये जाएगा हाइड्रोलिसिस में, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। इट undergoes in alkaline hydrolysis to give to produce corresponding primary amine। 1 degree amine। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी एमीन्स बनाने में ही योगदान निभाती है, दूसरे एमीन्स इससे नहीं बनते। दूसरी बात, इससे एरोमेटिक एमीन्स आप तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो आप एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जगह पे आप एरिल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीज़न ये है कि जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एरोमेटिक एमीन है नहीं बनने वाला। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं कि आखिर रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन में हमें थैलेमाइड चाहिए, तो थैलेमाइड को याद आ रहा हो आपको, थैलेमाइड आपने बनाया था एक बार थैलिक एसिड से। तो थैलिक एसिड इस तरीके से होता है, वेंजिंग पे एडजेसेंट टू एसिडिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो इसकी रिएक्शन आपको क्या करानी है, NH3 के साथ में आपको इसे हीट करना है, तो आपका बन जाता है, तैयार हो जाता है थैलेमाइड CONH। ये होता है जी थैलेमाइड। अब आपको क्या करना है, अब आपको थैलेमाइड की रिएक्शन करानी है जो अभी ऊपर हमने डिस्क्राइब किया है उनके साथ में। यानी कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए कि आप KOH का इस्तेमाल करें, एल्कोहलिक या एक्वस KOH आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, इथेनॉलिक। फिर यहाँ बात करें, दूसरा आपको क्या चाहिए था, दूसरी जरूरत आपके सामने पड़ी थी एल्काइल हैलाइड, थर्ड वन आपने हाइड्रोलिसिस कराना है, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हम यहाँ NaOH ले लेते हैं एक्वस। तो बन जाता है हमारा यहाँ प्राइमरी एमीन NH2, और जो बनेगा वो बनेगा साल्ट CONA, सोडियम साल्ट ऑफ थैलेट थैलिक एसिड या सोडियम थैलेट। ये हो गया प्राइमरी एमीन। सोडियम साल्ट ऑफ थैलिक
एसिड। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अभी हम मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म में वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आप पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, ये रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से होगी। तो ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, इसको हम तीन स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो थैलेमाइड है, यानी कि बेंजीन रिंग बनाइए, C double O, C double O, N और H, थैलेमाइड। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, KOH के साथ। आपको पता है कि KOH सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन देगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक होने की वजह से इसको छोड़ के चली जाएगी और OH के साथ मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड, जो मैंने स्टेटमेंट में भी आपको लिखाया था, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड की रिएक्शन करानी होगी। ये इसको हीट कराना है आपको किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ। देख लेते हैं, C double bond O, C double bond O, ये N K। अब आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, R X। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आपको पता है हैलोजन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, तो फटाक से लीव कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा, पोटेशियम यहाँ से छोड़ के चला जाएगा इसको। तो होना क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये किसको अप्रोच करेगा, आर को, और ये अप्रोच किसको करेगा, के को। तो हमारा यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ हमारा बनने वाला है C double bond O, C double bond O, N, R और KX। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब यहाँ से बॉन्ड आपने यहाँ शिफ्ट किया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव है हैलोजन, नेगेटिव चार्ज क्या है, हैलोजन अप्रोच करेगा पॉजिटिव चार्ज को, सेम उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा पॉजिटिव चार्ज को, अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास में N alkyl thalimide। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्टेप, थर्ड एंड लास्ट स्टेप। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको एल्किलाइन हाइड्रोलाइसिस कराना है, यानी कि आप इसको ट्रीट कराइए एक्यूएस NaOH के साथ। एक्यूएस NaOH के साथ आप इसको ट्रीट कराने वाले हैं। तो देखिए होने वाला क्या होगा, फिर से वही बात आ जाती है भाई, OH माइनस आयन देगा यहाँ पे, ये सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होना क्या है, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये अप्रोच करेगा कार्बन से जुड़ने के लिए। कार्बन से ये तभी जुड़ सकता है जब वहाँ पर कोई भी वैकेंट या स्पेस हो, वैकेंसी हो। तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ओ की तरफ और OH वहाँ आके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ जो बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, C double bond O, C O पर नेगेटिव चार्ज और OH। ठीक है, यहाँ देखना, चलो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। OH यहाँ जुड़ गया, O के पास नेगेटिव चार्ज, इससे जुड़ा हुआ है N और R।
ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, ये वाला माइनस बॉन्ड बनाने में काम करेगा और साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड जो होगा शिफ्ट होके एन की तरफ चला जाएगा। देखिए जी आगे की तरफ प्रोसीड करें, कीजिए सी डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, समझ गए जी। अब क्या होगा, ये एच फटाक से अपनी पोजीशन खाली करेगा, ऐसे दिख हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा, निकल जाएगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ लाएगा, तो अब क्या बनने वाला है, अब बनने वाला है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर और सी डबल बॉन्ड ओ ओ। और आपको पता है यहाँ हमने एन ए ओ एच इस्तेमाल किया है, तो एन ए ओ एच का मतलब यहाँ एन ए भी है, तो वो एन ए आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सेम टू सेम यही प्रोसीजर आगे की तरफ आप यहाँ बढ़ाएंगे, वही सेम प्रोसीजर यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ फर्दर आप एन ए एच के साथ में रिएक्ट कराएंगे और ये बन के तैयार हो जाएगा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एन ए सी डबल बॉन्ड ओ एन ए और आर एन एच टू प्राइमरी एमीन सोडियम फैलेट। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए सेम टू सेम जो प्रोसीजर हमने यहाँ अप्लाई किया वही प्रोसीजर यहाँ पे दोबारा से होगा, यहाँ पे आके ये अटैक करेगा और एन ए वहाँ जुड़ जाएगा और एन एच आर एन एच टू बाहर निकल जाएगा, प्राइमरी एमीन बन के तैयार हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा, यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।